दिया जाए। भाइयों, अरबी जुबान में एतकाफ कहते हैं चिमट जाने को, या समझ लें धरना देने को। ये पाकिस्तान वाला धरना नहीं है, अल्लाह की बारगाह में धरना देना। और शरी इस्तलाह में अल्लाह ताला की रजा की खातिर रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन में मस्जिद के अंदर चिमट जाना अल्लाह के हुजूर, उससे मगफिरत के तलब के लिए और उसकी बख्शिश की उम्मीद पर बैठ जाना और अपने दुनियावी मामलात को छोड़ देना, ये सुन्नत एतकाफ कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 दिन का एतकाफ भी साबित है, 20 दिन का एतकाफ भी साबित है, और 10 दिन का एतकाफ सुन्नत मुतवातिर है, यानी वो कॉन्टिन्यू सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी जिंदगी नहीं छोड़ी। हमेशा कम से कम 10 दिन का एतकाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जरूर बिल जरूर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एतकाफ का जो वाहिद मकसद है वो शब कद्र की तलाश है। और शब कद्र की तलाश से मुराद क्या है, ये नहीं है कि वो रात के वक्त कोई अजीबो गरीब चीजें नजर आएंगी। मैं इस हवाले से बड़ा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूं, मसला नंबर न्यू 44 के उनवान से ahlesunnatpak.com पर, शब बारात और शब कद्र से मुतालिक सही फिकी अहकाम व मसाइल, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। आज मैं उस टॉपिक को स्किप करूंगा। भाइयों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने अपने दो महबूब पैगंबरों सैयदना इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सराहतन हुक्म फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल, और हमने अहद लिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से, अन तखिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुकअस सुजूद, कि मेरे घर को पाक साफ रखना, इस घर के मुतवल्ली बनना और इसकी सफाई का ख्याल रखना। नंबर एक, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए। नंबर दो, वल आकिफीन, और एतकाफ करने वालों के लिए मेरे घर को यानी बैतुल्लाह को पाक रखना। नंबर तीन, वर रुक इस सुजूद, और रुकू और सजदे करने वालों के लिए बैतुल्लाह को पाको साफ रखना। इससे यह बात पता चली कि बैतुल्लाह शरीफ में जो एतकाफ की जो सुन्नत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बेसत से पहले भी जारी थी। ये सुन्नत ऐसी नहीं है जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम में कोई नई चीज आई है, बल्कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। और अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया था कि बैतुल्लाह को पाको साफ रखा जाए, नंबर एक तवाफ करने वालों के लिए, नंबर दो एतकाफ करने वालों के लिए, और नंबर तीन रुकू और सजदे यानी नमाज पढ़ने वालों के लिए। भाइयों, सूरतुल बकरा ही में जो रमजान मुबारक के कॉन्टेक्स्ट में रुकू नंबर 23 है, उसमें एक आयत है सूरतुल बकरा आयत नंबर 187, जिसमें इशारतन एतकाफ का भी जिक्र आया। वला तुबाशिरूहुन व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और अपनी बीवियों के साथ इज़दवाजी ताल्लुक मत कायम करो जबकि तुम मस्जिद में एतकाफ की हालत में हो। यानी औरतें भी मस्जिद में एतकाफ बैठा करती थी उस जमाने में, उम्महातुल मोमिनीन भी और बाकी औरतें भी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अगर कोई मियां बीवी एतकाफ मस्जिद में बैठे हैं तो वो इज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वरना उनका एतकाफ टूट जाएगा। तो इसमें भी इशारतन एतकाफ का जिक्र आया कि मसाजिद के अंदर एतकाफ हो सकता है, ये सुन्नत है। जहां तक एतकाफ की फजीलत है तो इस हवाले से सूफिया की किताबों में आपको बहुत सारी रवायतें मिल जाएंगी, किमिया सादत के अंदर, तज़किरतुल वाइज़ीन के अंदर और किताबों के अंदर, लेकिन उनमें से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर मजबूत रवायत नहीं है। इसलिए कैटागोरिकल डिसीजन है मुहद्दिसीन का रहिमहुमुल्लाह अजमाइन के एतकाफ की फजीलत के ऊपर, कोई पर्टिकुलर फजीलत के ऊपर कोई भी सही हदीस रूए अर्ज पे मौजूद नहीं है। बहरहाल मेरे नजदीक यही फजीलत काफी है कि अल्लाह ताला ने इसे एंडोर्स किया है और अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि मेरे जो बंदे एतकाफ के लिए मस्जिद में आते हैं उनके लिए मस्जिद को साफ रखो और
इस हवाले से अहकामात भी अहदीस के अंदर आए हैं, तो ये खुद बहुत बड़ी फजीलत है कि इंसान दुनियावी मामलात को छोड़कर पूरे पैशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस हवाले से एक बड़ी मशहूर रवायत पेश की जाती है जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की तीन किताबों के अंदर मौजूद है। नंबर एक अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में, नंबर दो शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब में, और नंबर तीन अल मुस्तदरक लिल हाकिम में। इन तीनों के अंदर ये रवायत मौजूद है, लेकिन ये रवायत मरदूद है। बड़ी मशहूर रवायत है कि सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में आता है कि वो मस्जिद में इतकाब बैठे हुए थे, तो कोई शख्स जो है वो उनके पास आया और उसने कहा कि मैं फलां शख्स का जो मकरूज हूं और मैंने उसका कर्जा देना है और मुझे वो ढील नहीं दे रहा, आप मेरी सिफारिश करें। तो इब्न अब्बास जो है वो मस्जिद से इतकाफ तोड़ के बाहर निकल गए और जाके उसकी सिफारिश की, और जब उस शख्स के पास गए सिफारिश के लिए, उसको पता चला कि इब्न अब्बास आए हैं, तो उसने जो है वो कर्जा ही माफ कर दिया, यानी उनके प्रोटोकॉल के अंदर। तो दूसरे साथी ने कहा कि इब्न अब्बास आप तो इतकाफ बैठे हुए थे, आपने इतकाफ क्यों तोड़ दिया? तो इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने इतकाफ इसलिए तोड़ा कि किसी मुसलमान भाई के लिए उसकी मुसीबत और परेशानी के लिए दौड़ धूप करना, ये अल्लाह ताला के हुजूर 20 साल के इतकाफ से बेहतर है। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया इब्न अब्बास ने कि जो शख्स एक दिन का इतकाफ करे अल्लाह के हुजूर, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बात सुनी कि अल्लाह ताला उसके चेहरे और दोजख के दरमियान तीन बड़ी बड़ी खंदकें हायल कर देता है जिनकी चौड़ाई जो है जमीन और आसमान के फासले के बराबर है। ये वो रवायत है जो बड़ी मशहूर है, लेकिन ये बिल्कुल जाली बल्कि झूठी रवायत है, क्योंकि इसके दोनों जो तुरक हैं दोनों में एक एक झूठे रावी, मतरूक रावी मौजूद हैं। जो तबरानी की सनद है उसके अंदर बशर बिन सलम जो है वो मतरूक रावी हैं, जिनसे हदीसें लेना मुहदसिन ने छोड़ दी, और अल मुस्तदर अल हाकिम में मोहम्मद इब्ने मुआविया, ये एक रावी है जो कज़ाब रावी है मुहदसिन के यहाँ, लिहाजा ये बिल्कुल जाली रवायत है। शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ताला और शेख ज़ुबैर ज़ई रहिमहुल्लाह ताला दोनों ने इस हदीस को बिल्कुल जाली और फैब्रिकेटेड डिक्लेयर किया है, और शेख अल्बानी ने सिलसिले अहदीस दौईफा जो है जो है उनका एक है अस-सिलसिलतुस्सहीया जो सही अहदीस का मजमू है, एक ज़ईफ और मनगढ़ंत अहदीस वल मौदुआ और मौजू अहदीस का जो मजमू है शेख अल्बानी ने जमा किया है, उसमें इस रवायत को लेके आए हैं।